बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। नाज़रीन, रायबंड के इलाके में एक शख्स ने कमेटी खाने के चक्कर में एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जिसका इस कमेटी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। ये शख्स कौन है, इसे कत्ल किसने किया और क्यों किया, CIA डिफेंस सर्कल ने किस तरह इन मुलजमान को ट्रेस किया और अब ये केस हल हो चुका हुआ है, आज के प्रोग्राम में तफसील से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाजरीन, एक बार फिर लाहौर के इलाके रायवंड में पेश आई कत्ल की लर्जा खेज वारदात। कमेटी के पैसे वापस ना करने पर मुलजिमान ने खेला खूनी खेल। पैसे देने के बहाने मुलजिमान ने पहले बेकसूर मकतूल को घर से बाहर बुलवाया, फिर मकतूल लईक को अगवा किया और कनपट्टी पर फायर करके उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिमान ने लाश को करीब ही मौजूद नहर में फेंक दिया। कमेटी के पैसे जिसकी वजह से लईक को कत्ल किया गया, वो पैसे किसके थे? मुलजिमान ने लईक को कत्ल क्यों किया? क्या लईक इन मुलजिमान से पहले कभी मिला था? आखिर ये मुलजिमान कौन थे? मुलजिमान ने लईक को कत्ल करने का मंसूबा कब और कैसे बनाया? मुलजिमान लईक को कत्ल करने के बाद क्यों फरार ना हुए? पुलिस ने इन मुलजिमान को कब, कैसे और कहां से गिरफ्तार किया, आइए जानते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले, चूंकि ये केस वहाँ पे रिपोर्ट होता है, केस रिपोर्ट हुआ क्या था, बाद में चले आपके पास आता है, मामला था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह था कि एक तारक नामी जो शख्स है वो कमेटी डाली हुई थी, अकबर नाम, जो दोनों ये हमसाए थे पहले, ठीक है। उसके बाद वो खुरपा चेक कराता था और दूसरा जो अराइवेंट रहते थे, तारक ST था रेलवे में, टिकट चेकर था, वो अपनी ड्यूटी पे यहाँ से रायवंड से जाता था बुल्तान साहिवाल, वो सरकारी मुलाजम था रेलवे का। तारक ने कमेटी डाली हुई थी अकबर के पास, ठीक है, अरसा 6 साल से, ठीक है। जब कमेटी, वो दो कमेटियाँ डाली थी 2.25 लाख की, 4.5 लाख किसके पास इकट्ठा हो गया। 2 महीने से वो उससे डिमांड कर रहा था अकबर से, तारक, कि आप मेरी कमेटी जो है ना वो मुझे दें, ठीक है। इसके जहन में आया कि यार ये जो ना बंदा उठाएंगे, बनता क्योंकि वो ऑलरेडी ये लईक से ये पहले कमेटी भी लेके भी जाता था और उसको जब भी कमेटी इकट्ठी करता था वो लईक से कमेटी लेके जाता था। वो तारक उसको फ़ोन करता था कि जी आप कमेटी इसको दे दें, ठीक है, मैं फिर आपको तारक, चूँकि उसकी नौकरी इस तरह की है कि वो शहर से बाहर होता था, से बाहर लईक की ड्यूटी लगाई हुई थी या उसके जिम्मे था कि तुमने कमेटी देनी है उसे, तुमने, हाँ जी, अकबर को अक्सर औकात ये हो जाता कमेटी की किस्त जो कमेटी तकरीबन नामे को 20 या 24 नामे थे वो इकट्ठे करते थे। जब वो बाहर होता था लाहौर से तो वो कह देता कि आप ऐसा करो लईक से जाकर कमेटी ले, ठीक है, ठीक है। इसने प्लान ये बनाया कि मैं, इसका देन में ये आया कि मैं उसको तारक को फ़ोन करता हूँ, इसके इलम में था कि तारक आज लाहौर में नहीं है, ठीक है। तारक को फ़ोन करता है, तो तारक को कहता है कि मैंने ना कमेटी का बंदोबस्त कर लिया, मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए 4.5 लाख, तो मुझे बताएं किसको दूँ। उसने कहा कि आप ऐसा करो लईक को जाके दो, ठीक है। वो फ़ोन करता है लईक को, लईक जब अपना कि यार वो अकबर आ रहा है उससे 4.5 लाख वसूल कर ले। इनकी प्लानिंग पहले थी, इन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद मोटरसाइकिल पे ये जाता है। अकबर ने साथ किसे मिलाया, वो दूसरा शख्स कौन है? वहीद कौन है, वो क्या करता है? उसका हमसाया है और इकट्ठे शाम को इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, 3-4 बंदे, एक अवैस था, एक आमर था, एक ये वहीद था, एक अकबर था और ये अवैस था, ठीक है। ये शाम को जब गांव में बैठते इकट्ठे टीवी देखते थे, टीवी देखने के बाद अकबर ने वहीद के साथ बात की कि जी ये मैंने ना बंदा उठाना है तो आपने मेरे साथ चलना, गाड़ी लेके आनी, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राइवर था, किसी की गाड़ी चलाता है, ठीक है। वहीद वही एक दिन पहले इनका प्रोग्राम बन जाता है, वो टेलीफोन करता है तारक लईक को कि यार वो अकबर आ रहा है उससे ना बाहर वसूल कर लो पैसे। वो फ़ोन करता है, लईक बाहर जाता है, उसका भाई बाहर अंदर से ना देख रहा होता है कि बाहर कौन आया है, ये अंदर ही उसका मोबाइल पड़ा होता है, सारी चीज़ें छोड़ के वो बाहर खाली आ जाता है, तो पीछे आगे गाड़ी खड़ी होती है, एक मोटरसाइकिल एक गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी में वो बैठा लेता है अकबर। अकबर उसको पैसे देता है 90,000 या 1.5 लाख रुपये के, आप गिन लें। वो जब गिनता है
गिनना शुरू करता है तो वो एक टांग उसकी बाहर होती है, एक टांग अंदर होती है, तो ड्राइवर उसको कहता है कि कूलिंग एसी की गाड़ी की कूलिंग जो है वो बाहर जा रही है, लिहाजा आप जो ना पाँव अंदर कर लें, दरवाज़ा बंद कर लें, तो उसके बाद फिर आप गिन लें, ईजी हो के गिन लें। जब वो गेट बंद करता है गाड़ी का, उसी वक्त वो गन पॉइंट पर उसको अपने किडनैप कर लेता है। तारिक नामी शख्स अकबर नामी शख्स के पास कमेटी डाला करता था। तारिक रेलवे में एक सरकारी मुलाजिम था। काम के सिलसिले में वो अक्सर लाहौर से बाहर जाया करता था। जब तारिक को कमेटी के पैसे वसूल करने होते तो वो अपने दोस्त लई के जिम्मे लगाता ताकि वो अकबर से पैसे वसूल कर लिया करे। इस बार तारिक ने अकबर के पास दो कमेटियां 2.25 लाख की डलवाई हुई थी। एक दिन तारिक शहर से बाहर हुआ था और अकबर को इस बात का इल्म था कि तारिक लाहौर में मौजूद नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अकबर ने एक चाल चली और तारिक से कहा कि कमेटी के पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, जिस पर तारिक ने लईक को फोन करके कहा कि अकबर घर के बाहर मौजूद है, जाके उससे पैसे वसूल कर ले। जबकि दूसरी तरफ अकबर पूरी मनसूबाबंदी के साथ लईक को अगवा करने आया था। अकबर अपने दोस्त वहीद के साथ गाड़ी में बैठा रहा। अकबर ने लईक से कहा कि वो गाड़ी में बैठकर पैसे गिन ले। इसी दौरान अचानक से अकबर ने लईक को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। अकबर लईक को अगवा करके कहां ले गया? अगवा करने के बाद अकबर ने लईक के साथ क्या सलूक रखा? तारिक को कुछ शक था, इस वजह से वो गाड़ी में मुकम्मल तौर पर सवार नहीं हुआ था। एक टांग बाहर थी, एक अंदर थी। नहीं, शक या नहीं वैसे ही वो नॉर्मल बंदा था। अच्छा, तजुर्बेदार आदमी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, वो तो अमानतन उसके वहमों को मान में भी नहीं था, उसे शक कोई वहमों अगर उसके होता तो वो बाहर निकल के अंदर उसको बुला के अपने पैसे ले सकता था, या उसको कहता बिल्कुल मेरे अंदर कमरे में आ जाए, आके मुझे दे दे। जबकि उसने तारक को, तारक के इल्म में नहीं था कि वो ये पैसे दे के जाता रहा, ले के जाता रहा, तो इसने क्या करना? 4.5 लाख आप, उसको तो नहीं पता था तारक को कि इसने उसको कहा कि बाहर से आके पैसे वसूल। ठीक है, जब वो गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी बंद होती है, गाड़ी स्टार्ट करके वो कानपट्टी पे फसला रखता है और गाड़ी वो चला देते हैं। राजा जंग नहर के पास जब पहुँचते हैं तो उधर वो दोबारा तारक को फ़ोन करते हैं ओके करने के लिए। उसको कहते हैं कि भाई अगर तुमने कोई बात की या कोई तुम्हें मार देंगे। वो बेचारा शरीफ आदमी, क्योंकि एज का अफेक्ट था, तो उसने ना उस बंदे ने अकबर ने फ़ोन किया कि जी ये पैसे वसूल कर लिए। हाँ, तारिक से बात करवा दी। तारिक से बात करवा दी उसने और उसने कहा गिन लिए पैसे। ठीक है, आगे से इसने कहा कि हाँ जी गिन लिए, ये तारिक बताता है। उसके बाद उन्होंने नीचे उतारा, उसको नीचे उतार कर कानपट्टी पे फायर मारा। उसके बाद दोनों ये वहीद और दोनों ने उसको टांग एक टांगे पकड़ी और उसके बाद दोनों को दोनों ने मिल के नहर में फेंक दिया। कनपट्टी पे फायर मारा, फायर मारा कि ये रंग देने की, खुदकशी का रंग देने की कोशिश तो नहीं की गई? नहीं, खुदकशी नहीं, इन्होंने तो देखें एक उसको तारक को बता भी दिया कि पैसे भी वसूल कर लिए, तो अब उसके बाद कोई पीछे रह नहीं जाता, क्योंकि जुर्म नहीं छुपता। जुर्म छुपाने की इन्होंने कोशिश की, इनकी प्लानिंग तो पूरी थी ना, मतलब जिसके पैसे थे। हाँ, उससे बात करवा दी कि भाई हमने पैसे दे दिए, इसका मतलब है कि हम, हमारा मामला क्लियर है, हम वहाँ से जा चुके हैं। जी जी जी, हो सकता है कि ये रंग देने की कोशिश की हो कि भाई जो मकतूल है, लाइक है, उसकी क्यों नीयत खराब होगी और वो पैसे लेके निकल गया, या उसके साथ कोई डकैती वारदात होगी, या उसने को खुदकशी अपने आप को तो उन्होंने क्लियर कर लिया ना? नहीं, अपने आप को क्लियर। हाँ जी, नहर के पास ले जाकर अकबर ने लईक की कनपट्टी पर पिस्टल रखा और तारिक की लईक से बात करवाई कि लईक ने तमाम पैसे वसूल कर लिए। तारिक को फोन करने से पहले अकबर ने लईक से कहा कि अगर उसने तारिक से कोई फजूल बात की तो अकबर लईक को कत्ल कर देगा। लईक ने खौफ के मारे तारिक को कुछ ना बताया। इसके बाद अकबर ने लईक को गाड़ी से उतारा और कनपट्टी पर फायर करके लईक को कत्ल दिया। अकबर और वहीद ने मिलकर लईक की लाश को नहर में फेंक दिया। जब अकबर लईक को अगवा करने आया तो उस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद था? घर वालों को कब पता चला कि लईक घर पर मौजूद नहीं? उसके घर वालों ने लईक को कहां तलाश किया? सलीम साहब,
सबसे पहले तो ये बताएं कि जब ये अगवा कार आते हैं जी, आप घर में मौजूद थे? मैं मौजूद था। लाइक आपके भाई हैं मकतूल, आप सारे इकट्ठे रहते हैं जी जी, तो आप क्या देख रहे थे, अगवा कार क्या कर रहे थे घर के बाहर? हमारा घर जो है ना वो तकरीबन 8-10 कनाल का है। ठीक है। तो जब भाई अपने कमरे से निकल के बाहर गया ना तो दरवाज़ा खटखटाया नहीं इसने, अकबर नामी बंदा जो पैसे देने के लिए आया था उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि तारिक ने उसको फ़ोन किया मेरे भाई को कि अकबर नामी बंदा बाहर आया है वो पैसे देने के लिए कमेटी के, और आप बाहर चले जाए। ठीक है। मेरा भाई जो है वो बाहर चला गया, 2-3 मिनट वहाँ वो खड़े रहे हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि दरवाज़ा खुला था और वो गायब हो गए दोनों वहाँ। ठीक है। जब वो गाड़ी में बैठा था आपका भाई जी जी, और जो भी उनके आपस में बातचीत चल रही थी वो आप देख रहे थे? हाँ, दूर थोड़ा दूर से आप देख रहे थे? देख रहा था। गाड़ी में बैठा हुआ है लाइक? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद चले जाते। कब आपने नोटिस किया कि भाई आपका वापस नहीं आ रहा और ये मामला मशकूक है? तकरीबन रूटीन में वो पहले भी लेट आते थे घर। ठीक है। कोई उनका टाइम टेबल नहीं था उनका, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा 11 बजे के भाई नहीं आए, तो उन्होंने कहा पहले भी लेट आते हैं, रात 11 बजे पहले भी लेट आते हैं तो आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं तो जाके फिर सो गया। ठीक है। उसके बाद फिर सुबह जब उठे हैं तो रात वो पूरी नहीं आया, तो सुबह जब ये तो बड़ी तशवीशनाक बात थी ना, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि रात पूरी ना आया। हाँ, पहले भी हुआ है ऐसे। हुआ है। ठीक है। क्योंकि तारक के साथ वो अक्सर चले जाते थे। ठीक हो गया। ठीक है। सपोर्ट के फिर आपने क्या किया? सुबह मैंने फ़ोन किया उसके दोस्तों को जो रेलवे में काफ़ी उसके दोस्त हैं। ठीक है। उनको फ़ोन किया कि लईका आपके साथ तो नहीं आया कल? तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो नहीं। फिर तारक को फ़ोन किया, TCR ताहिर है उसको मैंने फ़ोन किया, उसने तारक को फ़ोन किया 9:04 पर कि यार तेरे पास को भाई लईक तो नहीं आए? उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता ना मेरे पास आया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो 9:04 से लेके इसने मुँह से रब्ता नहीं किया। ठीक है। फिर मुझे तशवीश हुई कि ये तो मामला कोई ख़राब है। ठीक है। फिर मैंने खुद कॉल की तारिक को, तो तारिक को जब मैंने कॉल की 2 बजे तो मैंने कहा यार तेरी मैंने कॉलें देखी हैं मोबाइल में, क्योंकि भाई के दोनों मोबाइल अंदर चार्जिंग पे लगे हुए थे, तो मैंने पूछा अभी क्या बात हुई? इसने कहा जी मैंने एक बंदे को भेजा था, अकबर नामी बंदा है, रुपये चक है, उसको मैंने पैसे दिए थे कमेटी के, तो मैंने कहा भाई ले को पकड़ा देना कल मैं ले लूँगा। और उसके बाद उसने तस्दीक भी की, ये भी बताया होगा कि यहाँ पैसे मिल गए। हाँ जी। ठीक है। तो नहीं, तारक ने कहा कि मैंने वो उस बंदे को भेजा, मैंने कहा यार ये तो वो तो कल शाम का मेरे भाई को ले गया साथ ही। ठीक है। तो फिर आप ही आ जाओ उसको बुलाओ। फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा तो उसने कहा जी हम तो पैसे दे के चले गए। इस केस के मुद्दई के मुताबिक लईक रात को घर देर से आया करता था, घर वालों को लगा कि शायद लईक रात देर से आए इसीलिए वो सब सो गए। सुबह के वक्त जब लईक को घर पर मौजूद ना पाया तब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद घर वालों ने लईक की तलाश शुरू कर दी। जब लईक के भाई ने तारिक को फोन किया तो उस पर तारिक ने बताया कि कल अकबर नामी शख्स ने लईक को पैसे दिए थे, जिसके बाद उसकी लईक से कोई बात नहीं हुई। लईक का अभी तक कोई पता न लग पाया। क्या घर वालों को अब यकीन हो चुका था कि लईक को किसी ने अगवा किया? लईक के घर वालों को कब पता चला कि लईक को कत्ल कर दिया गया? आपके ज़हन में कहीं ख्याल आ रहा था खुदा ना खास्ता कि भाई के साथ कोई वकूआ हो गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया है, या आपके ज़हन में था कि कहीं आगे पीछे किया होगा वापस? हमें तो यही था कि आगे पीछे किया होगा, इनके पास होगा तो अब ये बताएंगे तो चलो कहीं छोड़ देंगे उसको। फिर तारों को मैंने ये भी कहा भाई जो पैसे दे गए हो मेरे भाई को वो भी ले लो, और लेने और भी ले लो। ठीक है। लेकिन उसको आप छोड़ दो। का शक तारक की तरफ तो नहीं जा रहा था? तारक की तरफ भी था। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि फ़ोन करके उसने बुलाया मेरे भाई को बाहर। तो सलीम साहब फिर कब आगे पता चलता है कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? ये तो फिर जब CIA में आई है ना तफ्तीश। इस दौरान आप अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करते रहे हो? हाँ जी, हम भी कोशिश करते रहे, रायवंड थाने में भी उन्होंने इनसे पूछा लेकिन ये नहीं माने वहाँ। मुलजमान उन्होंने उगला कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। फिर यहाँ तफ्तीश आई तो यहाँ से पता चला कि इन्होंने उनको मर्डर करके तो कहीं किसी नहर में फेंक दिया।
लईक के घर वालों को शक तारिक की तरफ गया कि शायद उसने पैसे लेने के लिए लईक को अगवा कराया। केस जब CIA के पास मुंतकिल हुआ तब घर वालों को पता चला कि लईक को कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। आइए मुलजिम अकबर से जानते हैं कि वो कब से कमेटियां डालने का काम कर रहा था। अकबर और तारिक की दोस्ती कब और कैसे हुई? अकबर ने तारिक को कमेटी के कितने पैसे वापस करने थे? लईक को कत्ल करने का मंसूबा कब, कैसे और क्यों बनाया गया? अकबर कितने साल हो गए कमेटियां डाल रहे हो? मैंने 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। गांव में बहुत सारे और लोग भी होंगे तुम्हारे पास कमेटियां डालते होंगे। जी सर बहुत। अच्छा, तारिक से कब से ताल्लुक है? ये भी साढ़े पिंड का ही है, यानी कि शुरू तो ताल्लुक इंडिया नाल है। शुरू से ताल्लुक है। और कितने साल हो गए हैं तुम्हारे पास कमेटियां डाल रहे हैं? मेरे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। इस 10 सालों में तारिक की कितनी कमेटियां निकली? कमेटियां ने यानी कि 5-6 दफ़ा अगे पाइया कमेटियां, यानी कि 2-3 साल बाद कमेटी खत्म हो जाती है, फिर दोबारा पा ली थी। फिर तारिक की जो कमेटी निकलती रही है तुम उसे देते रहे? हाँ जी देते। अब आगे 2 कमेटियां थी जो तारिक की थी, तुमने नहीं दी? हाँ जी, 4 कमेटियां सी, 2 देती सी, दे, दो, चार थी, दो दे दी, दो रह गई। दो रह गए। तो 2 महीने हो गए हैं वो तुम्हारे पीछे था, तुम्हें बार बार ये कह रहा था, तकाजा कर रहा था कि मेरे पैसे हैं, 4.5 लाख रुपए बनते हैं कमेटियों के, मुझे दे दो। हाँ, पैसे क्यों नहीं दे रहे? कमेटी एक निकली ना पिछे जी 4 महीने से, मैं उन्होंने कहा भी कमेटी दारी दे, तेन ना एंड दे कमेटियां खत्म होनी है, पैसे वापस कर दूंगा। इन्हें क्या ठीक है, कोई गल नहीं ले ला। अच्छा ठीक है। कमेटी लैके वरत ली, ला ली जिमें भी, तो फिर अगले महीने दूजी कमेटी निकली, तो पैसे मेरे को पूरे नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है। वो फिर बैठे बैठे मैं दिल से ख्याल आया भी इस तरह लईक नू दबाना ला के कहा तेन पैसे देते ने, इन्हें रबता करने, तारक नाम रबता किया भी। तारिक अपने जितने भी पैसे थे वो लईक के जरिए उसी के थ्रू तुम्हें पहुँचाता था? हाँ जी। या तुम उससे जाके लेते थे? नहीं, पहले 5-6 कमेटियां लईक के थ्रू दीतियाँ, बाकी तारक आप ही देकर जाता है पिंड। कितने पैसे लेकर गए थे? 90,000 रुपया ले गए। 90,000 रुपये लेकर गए थे। ठीक है। तो इसके साथ पहले डिस्कस किया, इसके साथ प्लान बनाया? हाँ जी, अचानक ही प्रोग्राम बनाया मुड़के, अचानक ही बन गया ना, लेकिन इसे बताया? हाँ जी। मैं तो क्या सोचा था, मनसूबा था क्या तुम्हारा? मनसूबा यही भी कार लैके जावे, इन्हें क्या भी इतने कार लैके जाना, तो बंदा चुके लाना आप। ठीक है। अभी कार लैके गए, तारक ने फोन किया कितने, और तारक लईक ने क्या बाहर आ जा पैसे लैके आ गए। लईक को ही उठाना था या अगर तारिक होता उसे भी उठाने का? लईक सी बस। लईक को उठाना था, शरीफ आदमी है। हाँ जी, सीधा साधा। अच्छा ठीक है। लईक के घर गए, फिर क्या हुआ? उनके घर के जाके कार खला रही है, तो लईक दरवाजा खड़काया, लईक उस टाइम बाहर आ गया। फिर उन पिछों फिर कार की बारी मगरली खोली, खोल के उन्होंने पैसे विखाए ने, उन्होंने क्या आ जा, उन्होंने यकीन है अगर भी 2 कमेटियां दे के गए ने बंदे, ठीक ने, वो कार च बह गए आने के। गन दिखाई उसे, पिस्टल था? हाँ जी, कार च बैठा, फिर उन्होंने गन रखी होंगी वखी, तो फिर कार पजाती है साइड पर जाके तारक ना गल कराई, तारक लईक ना गल कर ला, पैसे पूरे ने। उसे डराया धमकाया? हाँ जी। कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो जाहिर है उसे बता देना था। हाँ जी, यह डर तो भी दस देगा भी पैसे नहीं देते है ना। अच्छा, फिर क्या किया, कहाँ लेकर गया उसे? नहर पे ले गए। नहर पे लेकर गए, और वहाँ जाके पहले मारा पीटा? नहीं सर, वो तो गाड़ी में तशद्दुद किया था। नहीं, कोई चांडे भी नहीं मारी। अच्छा, कुछ नहीं किया, वहाँ ले जाके क्या किया? बाहर कटिया फायर मार के फटाफट नहर से। कहाँ पे फायर मारा था? सर चाहिए। किसने मारा था? मैं मारा। पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल चाचे का मुंडा ही उन्हें ला के दिया है। अच्छा, उसे पता था? नहीं सर, उसे नहीं पता था कत्ल करना। किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता था। अच्छा, कहाँ पे उसकी गोली मारी? सर पर। सर पर मारी। फिर क्या किया? फिर चौक के नहर छोड़ता है, नहर में फेंक दिया और वापस आ गए। जी सर। वापस आ गए, तुम अपना वही स्कूल से दूध दही का काम करते हो, दूध का काम करते हो, और अपना तुम काम शाम कर रहे हो। ठीक है। फिर क्या किया? जाहिर है ये बात छुपनी तो नहीं थी ना? हाँ जी, फिर अगले दिन रौला पाया गया। ये बड़ी बेवकूफाना तरीके से तुमने ये प्लानिंग की थी। हाँ जी। अच्छा, फिर मुदैया ने रابطہ किया उसके बाद? हाँ, फिर वो मुदैया रابطہ किया ना, तारक दा आखिरी फोन सी लईक नू। हाँ, उन्होंने तारक नू फोन किया भी तेरे आखिरी कॉल है लईक नू, तेरी की गल हुई, उन्हें कैसे ना कल कमेटी देन आना है उन्हें अकबर ने। वो फिर उन्होंने मैनू बुलाया भी इस तरह रैलेंड आ। फिर तुम्हें पुलिस ने उठा लिया? हाँ जी। अकबर 15 साल से कमेटियां डालने का काम कर रहा था और तारिक 10 साल से अकबर के पास कमेटियां डाल रहा था। कत्ल की वारदात से कबल अकबर के पास तारिक की 4 कमेटियां थीं, जिसमें से 2 तारिक ने ले ली थीं, जबकि 2 अभी वापस लेने वाली थीं। अकबर ने तारिक से कहा कि वो उसको अभी कमेटी के पैसे उधार पर दे दे, जब पैसे पूरे होंगे तो अकबर पैसे वापस कर देगा, मगर ऐसा ना हो सका। मुकर्रा वक्त भी
गुजर चुका था। जब पैसे इकट्ठे ना हो सके तो अकबर ने लईक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जब अकबर लईक को कत्ल करने गया तब उसके पास 90,000 थे। लईक की लाश पुलिस को कब मिली? क्या अकबर इससे पहले भी वारदातों में मुलविस रह चुका? लईक को कत्ल करने के लिए वहीद अकबर के साथ किस लालच के तहत गया? वहीद ने अकबर के साथ कत्ल की हामी क्यों भरी? क्या वहीद ने अकबर को कत्ल करने से मना किया था? जब तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया, जब तुम्हें पता चल गया ये पुलिस मैटर बन गया, तो उसके बावजूद तुमने नहीं बताया। 23वें दिन जाके डेड बॉडी मिलती है, ये समझ में नहीं आती है। एक आम आदमी, एक आम शख्स, कारोबारी बंदा तो ये काम नहीं कर सकता ना। इसका मतलब है कि तुम इससे पहले भी कोई वारदातें करते हो? नहीं सर, इससे पहले भी तुमने कोई ऐसी कोई वारदात की है? शॉर्टर कार्ड चेक करो, कोई गन्ना नहीं करेगा। इतना शातिर हो ही नहीं सकता शातिर सर की ये इतने पुख्ता ज़हन का हो ही नहीं सकता। 23 दिन तक तुमने पुलिस को बताया ही नहीं कि मैंने कत्ल कर दिया और लाश फलां जगह फेंकी थी। जेल से गया फिर मेरा पूछना रास्ता नहीं आया, यानी कि जेल चौथे दिन गया। फिर जब यहाँ आते हो CIA के पास, इसने मुझे बोला ना रेमेड जाना है। मैंने बोला ठीक है, गाड़ी मेरी बुक कराते हर कोई करवा लेता, बरात के साथ जाना कैसे? किसी की रेंट पे चलाता, 500 रुपया देता वो मुझे एक फेरे का। ठीक है, तो इसने मुझे बोला रेमेड जाना है शादी, पहले मुझे इसने शादी का बोला, शादी पे जाना। मैंने बोला ठीक है, रेमेड चले जाते हैं। उधर जाके ये मुझे ले जाते इस तरफ, इस तरफ मैंने उस तरफ जाता रहा गाड़ी लेकर, ड्राइवर तो था मैं, तो ये मुझे ले गए। इसने बोला जब एक घर के पास चले गए, इसने मुझे बोला ना इस आदमी को उठा के गांव में लेके जाना। मैंने बोला क्यों लेके जाना? इसने बोला कि फैमिली मैटर है हमारा। अच्छा। मैंने बोला, मैंने ना हाँ कर दी, मैं कह रहा चल ठीक है। चलो यहाँ तक बात मान ली कि तुमने इसका साथ दिया, उसके बाद जब ये कत्ल करने लगा था तो इसका इरादा पता तो चल गया था ना। सुन लो जी, इसने कत्ल करना जी पता चल गया था कि उसने झूठ बोला, झूठी कॉल करवाई और उसके बाद एक ऐसी जगह पे वीराने में लेके जा रहा है जहाँ इसने कत्ल करना है। तुम्हारे सामने कत्ल कर रहा था तो तुमने तब भी क्यों नहीं रोका? मैंने इसे बोला रहने दो, इसने बोला अगर ना किया इसने घर जाके बता देना तो हम मारे जाएंगे, ये कुछ चांस नहीं। मैंने बोला रहने दो, कहता नहीं इसको मारना पड़ेगा। ठीक है, कत्ल भी कर दिया इसने, उसके बावजूद तुमने खामोशी क्यों इख्तियार की? इसने तुमने पर्दा क्यों डाला? इसने मुझे बोला अगर किसी को बताया तो 302 लग जाएगी, पकड़े जाएंगे। 302 तो वैसे भी लगने, वो तो लग गया, वो तो मुझे पता था। और तुम कह रहे हो उसने तुम्हें कोई लालच नहीं दिया पैसों में से? नहीं, कोई ये सामने कोई उस दिन खर्चा पानी दिया हो? नहीं, बस कुछ भी नहीं दिया। 2500 रुपया दिया इसने, वो गाड़ी का जो रेंट बनता था वही, बस 2500 रुपये। उसमें से कितने मालिक को देने थे तुम्हें? 25 से दिया, उसमें से उसने मुझे 500 वापस दिया, 2000 उसने। तो तुमने सिर्फ 500 रुपये के पीछे इस कत्ल में तुमने अपने हाथ काले किए? ऐसे ही जी सर, सिर्फ 500 रुपये के पीछे। और फिर पुलिस ने जब तुम्हें पकड़ा तो तुमने सारी बात पुलिस को बताई? पुलिस ने मेरे घर वालों को उठा लिया ना, मैं नहीं था घर पे। ये समझ नहीं आती है, इसने जितनी पुख्ता अंदाज में ये मंसूबा बंदी की है कि इसने इससे पहले ये काम ना किया, मेरी बात समझ में नहीं आती। सही सही बताओ ये कौन है? ये इससे पहले इसने ये साथ के गाँव का है, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं था पहले, कोई सीन नहीं है। गाँव में जाके पूछ लो, कमेटियाँ खाता है लोगों की? नहीं, ऐसी कोई बात, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। इसकी तारीखी तो खाई थी, अभी कमेटी के चक्कर में ये सारा काम किया? ये कमेटी का इसका मेरा मुझे नहीं ना पता, ये कैसे कमेटी डालते हैं कैसे निकलती। वैसे कोई चोरी वगैरह या कोई ऐसे सीन वाले पहले तुम्हारी कोई इससे पहले वारदात है? नहीं, कोई चक्कर नहीं। ड्राइविंग करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो? मैं तो बस अपना काम करता हूँ, खेती बाड़ी थोड़ी सी। बस सोचते बैठ के कि क्या मैंने बेवकूफ़ी की? बहुत बहुत ना तुम्हारा कोई किरदार, या तो कोई पैसों का लालच दिया हो, इसने कहा हो कि भाई ये इतने पैसे हैं, बंदा कत्ल करना है इसमें से तुम्हारे इतने, तो बगैर लालच के तुमने इतना बड़ा? बस इतने मुझे बोला अब पकड़े जाएंगे वरना इसको मानना पड़ेगा, उठा ले के लिए ये बता देगा, मैं बता दूंगा हम दोनों ने उठाया। सर मैं फिर चुप हो गया। इस दौरान कभी ख्याल नहीं आया पुलिस ने जब तक नहीं पकड़ा था कि मैं किसी को बता दूं? मैं इंसान को नींद आती है कि किसी को कत्ल किया? नहीं तो नहीं आती मुझे, बस डरता रहा। पुलिस ने जब वहीद को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को बताया कि कैसे वहीद ने अकबर के साथ मिलकर लईक को कत्ल किया। मकतूल के घर वालों को अकबर पर शक क्यों हुआ? घर वालों का ये शक यकीन में कब बदला? आपके भाई, उन्होंने शादी नहीं की, कितनी एज थी उनकी? आपके मामू हैं, कितनी उम्र थी उनकी? 59 साल, 60 साल हो गए। ठीक है, तो क्या दिल में ख्याल आते रहे कि क्या मामला हुआ होगा ऐसा उनके साथ, और क्या चल क्या रहा था उन दिनों? असल में हम इकट्ठे ही रहते हैं, मैं कोटा गया हुआ था पुलिस की तरफ से। ठीक है, तो मुझे इन्होंने कॉल की, मैं फौरी वापस आया हूँ। ठीक है, जो सारा मैं मतलब प्रोसीजर मैंने देखा, CDRs वगैरह हर चीज़। ठीक है, वो आपने निकलवाई थी? जी जी पुलिस जी 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 जी। ठीक है, वो मैंने सारी निकलवाई और फिर मैंने जो कंक्लूजन उसका ये निकाला, उसमें ये जो बंदे थे यही मेरे जहन में आए। ठीक है, और फिर उसी तरह रायमंड थाने में वो पकड़वा दिया, हम खुद ही लेके गए थे बंदे को जो था अकबर नाम है।
वो बस वही हुआ, गिरफ्तारी पड़ी, दो दिन का जुडिशियल। बड़ा पक्का था वो, कहीं भागा नहीं? नहीं नहीं भागा नहीं। भागता तो आपका जाहिर है शक जो था वो यकीन में तब्दील हो जाता। इवन क्या बता रहे कि आप खुद उसे लेकर? जी जी खुद लेकर गए, लेकिन ये था कि दो दिन का रिमांड हुआ फिर जुडिशियल हो गया। ठीक है, ये तो फिर इनकी मेहनत है। ये CI वाले DSP साहब हैं और ये उस्मान आईओ जो है, इन्होंने भरपूर काविश की और उनको पकड़ा। वो तो जुडिशियल हो गया, वो तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर बाकी जो मुलजमान पकड़े उनसे तफ्तीश की, फिर ये उन्होंने बताया कि हमने ऐसे किया है कि उनको ना मर्डर कर दिया उसी दिन। यानी कि ये जो कार्रवाई है, फिर ट्रैकिंग से हमने वो वीडियो भी आती है गूगल मैप, ठीक है, वो निकलवाई, उससे ये सारा जो हुआ ये 34 मिनट्स में उन्होंने कार्रवाई डाली। ठीक, यानी गाड़ी पे आए घर के बाहर, अगवा करके कत्ल करने तक सिर्फ 34 मिनट की कार्रवाई। यानी हमारे घर के बाहर वो 3 मिनट रुके, गाड़ी पार्क हुई है, यानी आ रहा है, वापस गए हैं। वापस जाते हुए फिर उन्होंने ये चलाकी की है कि उन्होंने ना साथ पे जो है वो तारिक ने कॉल किया है मामू को मेरे, कि आप बाहर चले जाएं, नॉक नहीं किया दरवाजा। ठीक है, उससे पहले 7:05 पे अकबर ने कॉल किया तारिक को कि आप बाहर भेज। आप क्या समझते हैं कि ये दो ही मुलजिमान हैं, या आप समझते हैं कि तारिक का किरदार है इसमें? तारिक का देखें जाहिर तौर पर, अब आप भी बैठे हुए ये देखें कि बुलाने वाला वो। ठीक है, ठीक है। अगले दिन उसे 9:04 पर इतला मिल गई है कि लईक साहब नहीं मिल रहे। ठीक है, आप ये देखें 4.5 लाख तो उसी का था ना कमेटी का, मामू का तो ताल्लुक ही नहीं है। एक देने आ रहा है, एक की अमानत रख रहे हैं, उसने रबते ही नहीं किया। ठीक है, 9:04 से लेके आप ये देखें कि 2 बजे तक दोपहर, ये 6-7 घंटे तो बनते हैं। आप समझते हैं कि उसे भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? वो आइयो बेहतर समझते हैं, किया उसे शामिल तफ्तीश, बाकी जो वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं जो लेकिन आपके भाई का तो कोई मामला ही नहीं था, शरीफ आदमी था। नहीं नहीं, वो तो दरवेश की ज़ाती ज़िंदगी थी, उसका जो भी कारोबार था, दुकान शुकाने थी, उसका सिलसिला अच्छा चल रहा था, पैसे किसी के देने किसी ने, लेने किसी ने, यही मामला। तो ये तो बड़ा नाहक कतल, नाहक कतल है। मैं तो तफ्तीश, वो जो अकबर नामी और वहीद नामी जो बंदे जो जिन्होंने इकरार किया, अब मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जी शरीफ बंदा था, दरवेश था, हमने कहा क्या होगा, क्योंकि वो हमें जानते ही नहीं थे। ठीक है, मुलाकात ही नहीं थी ना, ना हमारे। यही वजह वजह और भी हो सकती है कोई? नहीं, और कोई वजह ही नहीं है। लईक के घर वालों ने अकबर को गिरफ्तार करवाया। कत्ल के 23 दिन गुजर जाने के बाद अकबर ने पुलिस को ना बताया कि लईक की लाश कहां फेंकी गई। वहीद को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को अपने बयान में और क्या कुछ बताया? पुलिस ने अपनी तहकीकात में किन पहलुओं को मद्देनजर रखा? पुलिस के मुताबिक इस केस में तारिक का क्या किरदार था? इस दौरान तक खान साहब किसी को ये नहीं पता कि वो बंदा कत्ल हो गया है, लईक कत्ल हो गया है, क्योंकि मुलजमान ने तो इंकशाफ किया ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, माने ही नहीं। और जाहिर है घर वालों को उनकी जो परेशानी थी वो दुगनी थी। एक तो बंदा गायब है और दूसरा ये नहीं पता था कि जिंदा भी है, हयात है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर कब ब्रेक हुआ कि बंदा कत्ल? हमने उस मुलजम को, अकबर को, जब 302 आजाद की, जब अपना दूसरा हमराई मुलजम जो है वो हमने गिरफ्तार किया, तो उसने बताया कि मेरे साथ ये अकबर था, और अकबर ने मुझे कहा था कि तुम, जब वो पुलिस के पास था तो ये मिलने गया वहीद उसको कि जी, उसने कहा कि तुम अपने फ़ोन बंद कर दो और तुम गायब हो जाओ, ये ना हो कि तुम्हारे तक पुलिस पहुंच जाए। वो गायब हो गया। उसके बाद फिर हमने अपने तरीके से, जब हमारे पास तफ्तीश आई, फिर बी पार्टी का नंबर ढूंढा, फिर उसके बाद ए पार्टी का, फिर उसके बाद चेन, फिर उसके बाद वो बंदे को हमने कवर किया और उसको गिरफ्तार किया। रिकवरी हो चुकी हुई है इसमें जी? तो मुदई कौन बना है? जो मकबूल है उसका भाई, उसका भाई है जी। अच्छा, वो बना, फिर गवाहान है उनके, जो जिनके सामने इसको लईक को ले जाते हुए गाड़ी पे, तारिक जिसकी कमेटियां थी, जिसका असल मामला था, उसको भी बुलाया, उसको भी इंटरोगेट किया। अब पहले हमने सारे एंगल देखे कि किसी लड़की का मामला तो नहीं है, उसने आपका ध्यान इधर गया होगा, एक शख्स, सबसे पहले तो ये था कि इसकी शादी नहीं थी, इसके नाम पे शादी नहीं थी, खाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वजह से इसके नाम कोई चीज़ें हैं, या इसका भाई ने कुछ करवा दिया, ये सारे एंगल हमने चेक किए। तो 10-12 दिन हमने ये सारा चेक करने के बाद उनका भाइयों का देखा कि भाई ने तो नहीं मरवा दिया, या ऐसा कोई मामला तो नहीं है। तो फिर हमने सारे एंगलों से चेक करने के बाद फिर हमने वो कार डिटेल निकलवाई, PDR लेने के बाद हमने उसको मौके पे देखा वहीद को, फिर हमने उसके पीछे ये अपना वो बात जो मैंने पहले आपसे पूछी, तारिक का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि इसमें तो बेनिफिशरी तारिक तो गवाह, तारिक तो देखें ना, पहले हम ये था कि जैसे शूटर उसे रिकवरी में उसे मिल गए, जिन्होंने नुकसान तो उस बेचारे का हो गया। हाँ जी, उस बेचारे का नुकसान हो गया।
पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अकबर और वहीद ही मुलजिमान हैं, जिन्होंने पहले मिलकर लईक को अगवा किया, फिर उसको कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। क्या मकतूल के लवाहिकीन पुलिस की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश से मुतमईन हैं? पुलिस ने और खास तौर पे CIA सर्कल डिफेंस ने जो कार्रवाई की है, आप उससे मुतमईन? जी जी, बहुत अच्छी कबल, मुतमईन से भी अगला कोई है, क्योंकि उस्मान भाई हैं, ये IU जो है, सब इंस्पेक्टर और रईस खान साहब हैं। ठीक है, ये भरपूर साथ दिया। और हमें पैगाम आप देना चाहते हो, कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो कामे बाला तक? रिक्वेस्ट ये है जी, अब ये सिस्टम तो यहाँ पे तो अभी तक ठीक है, आगे अब अदालत में कार्रवाई होगी। ठीक है, और हम मुतमईन हैं जी तफ्तीश जो की है यहाँ पे। और बात ये है कि अगर इन मुजरिमों को, मुलजिमों को सज़ा मिले प्रॉपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी दफ़ा कोई कर, अब उनके जहन में यही होता है कि एक दफ़ा किया है, वो जुडिशल हो गए, वापस आ गए, अभी ये कत्ल भी छुप गया था। दही भी तो देखे ना, वो डट के खड़े नहीं होते बेचारे, वो भी तंग आ जाते हैं, सिस्टम ऐसा जी, है जी, जी, कल को माफ़ी तलाफी की तरफ बात चली जाती है, केस को परसू नहीं करते, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। आप मुझे जो लग रहा है, आप तो तगड़े अंदाज में खड़े रहे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जैसे पहले हम रहे हैं इसी तरह रहेंगे। ना हक कत्ल है ना, कोई दुश्मनी होती, कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होता, एक बंदा है जिसका ताल्लुक ही नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कि वो शरीफ है उसे मार दें। आखिरी बात मैं इनसे करना चाहूँगा, सलीम साहब भाई है, जाहिर है ना हक कत्ल है, शरीफ आदमी था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि थक जाएंगे? चक्कर तो आपको लगाने पड़ने बार बार, ये बड़ा मुश्किल काम है, थक तो नहीं जाएंगे भाई के खून का आप बदला लेंगे? इंसाफ इंशाल्लाह जी, चाहते हैं कि इंसाफ हो, हर सूरत इंसाफ हो। कुछ कहना चाहें आप उनके लिए, भाई के लिए? हमारे साथ इंसाफ हो, उसको उसी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने कमेटियों के पैसों के चक्कर में एक बेकसूर शख्स को नाहक कत्ल कर दिया। लईक की ईमानदारी देखते हुए तारिक लईक को कमेटी के पैसे वसूल करने के लिए कहा करता था, मगर अकबर ने ना सिर्फ लईक को कत्ल किया बल्कि लईक की किरदार खुशी करने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि बेकसूर लईक को इंसाफ जरूर मिलेगा, हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।